अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको जैसे कि ये ब्रेड नज़र आ रही है, ब्रेड क्रम्स नज़र आ रहे हैं, तो इससे पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैंने 1 कप मैंने चनों का लिए मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था। 1 ही कप मैंने यहाँ बंद गोभी का लिए और 3 मैंने आलू लिए और यहाँ मैंने ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और जो नमक है वो हस्बे ज़रूरत आप ले लें। और जो ब्रेड है इसके आप 6 पीस या जिस तरह भी आपने बनाने हो बना लें। और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए और जैलोपिनो लिए और यहाँ मैंने दोनों ये ले लिए, सॉस ले लिए। आज की मेरी जो रेसिपी है ब्रेड रोल की वो रमज़ान स्पेशल के लिए मैं बना रही हूँ। और आपने अगर इसे यानी कि लाइट सा बनाना है तो आप सिर्फ इसे ब्रेड क्रम्स में इसे आपने इसकी कोटिंग करनी है। अगर ये आप अंडे में या ये मैदे वगैरह में आप इसकी कोटिंग करेंगे तो फिर ये बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए ये लाइट सा बनाएं क्योंकि अफ्तारी में इसी तरह की लाइट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। ये देखें, यहाँ भी रोल की तैयारी हो रही है और यहाँ पे चाय भी हमारी बनना शुरू हो गई है। ये देखें जी, अभी ये रोल बने नहीं हैं और ये चाय पहली बन रही है। चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं अपना मसाला बनाना रोल का। तो मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया यहाँ पे और ये छोटा सा प्याज मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसे हिला लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, रेड सा या जलाना नहीं है। और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई नहीं करना वरना ये सब जल जाएगा। और जब भी सैंडविच बनाएं या ब्रेड रोल बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आपने जो सी ब्रेड लेनी है वो सैंडविच ब्रेड लेनी है, कभी भी छोटी नहीं लेनी, हमेशा सैंडविच ब्रेड लें इसके लिए। चलिए प्याज यहाँ हमारे हो गए हैं लाइट ब्राउन से। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हमारे चने और फिर मैं डाल दूँगी बंद गोभी। और यहाँ मैंने आलू भी डाल दिए। अब इन सब को मैं हिला दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अब मैं यहाँ डालूँगी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और जैलोपिनो और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी सोया सॉस का और 1 ही चम्मच चिली सॉस का। और 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। अब इन सबको ना मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मैंने सबको मिक्स कर लिए और ये बहुत ही मज़े का मिक्सचर बना है। अगर आपने इसमें सब्ज़ मिर्च या सुर्ख मिर्च भी ऐड करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन ये अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट से ना बहुत स्पाइसी हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी शामिल नहीं कर रही। और दूसरे, अगर आपके पास जैलोपिनो नहीं है तो आप जो आम सब्ज़ मिर्च होती है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, इसका ऐसा कोई वो इशू नहीं है। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डाल दी। और बाकी स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रा कम ही खाती हूँ, मैं क्या बच्चे भी कम ही खाते हैं, इसलिए फिर ये भी हमें बहुत ज़्यादा है। और अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही मैं इसके रोल बनाऊँगी। चलिए ये देखें, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, इसका मसाला भी तैयार हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया और ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैंने ब्रेड के 6 पीस लिए हैं। ये देखें, ये 6 पीस हैं। और जो ये इसका है ये सख्त वाला हिस्सा इसे मैं निकाल दूंगी। चलिए अब मैं इसके यहाँ से इसे कट कर दूंगी। इस तरह से मैं ये सारे 6 पीस जो से इस तरह से तैयार करूंगी। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं रोल बनाना। अब मैं इसे सिर्फ एक साइड से थोड़ा सा मैं इसे ये देखिए ये पानी है ना जो, इस पानी में मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसे डिप करूंगी। बस आपने इसे उसी टाइम निकाल लेना है, निकाल के आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है, ऐसे करके इसे अच्छी तरह से इसे इस तरह से करके फिर हल्का सा आपने इसे बेल देना है। बेलने के बाद आप इस पे घेर लगाएं थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से लगाने के बाद आपने इसे आराम से प्रेस करना है, आराम से, बिल्कुल आराम से, ये टूटे ना, ये बहुत ही नरम है। इसे इस तरह से करके आपने इसे इस तरह से कर, ये देखें ये बन गया ना हमारा। ये आपने इसे फिर अच्छी तरह से इस साइडों से इसे प्रेस करना है ताकि ये निकले ना, ये जहाँ से भी निकले आप उसे कर सकते हैं इसे सही तरह, कोई वो मसला नहीं है। ऐसे करके चले और फिर इसे ये ब्रेड क्रम्स है इसे आराम से इसमें आप ये करें, इस तरह से करके इधर से इस तरह से करके आप ये तैयार किया। इसी तरह मैं आपको सारे रोल तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें ये रोल तैयार है और इसी तरह मैं अब सारे रोल तैयार करूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने ये सारे ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं और अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। ये देखें यहाँ रख दिया है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे, और अब मैं इसमें रोल फ्राई करूंगी। ये देखें कितने हमारे मज़ेदार से रोल तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से लाज़मी बनाएं रमज़ान में अफ्तारी के टाइम, ये सबको बहुत मज़े के लगेंगे। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें और आप मेरी रेसिपी को फॉलो भी करें। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।